कमीशन कहाँ है और
जो आप लोगों का वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था, एक देश का नारा, हक सच्चा नारा, तो वो इनके लिए है कि झूठों ने कहा सच बोलो, लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साहब या जीडीए के फोरम पर इस्तेमाल किया गया है, तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोले, कि आपकी पार्टी को जयराम बना लिया है चार लोगों ने, यहाँ पर सिंधियों का सौदा क्या वो तालीम हो क्या सेहत हो, कि ये सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मन की घर में डाल रहे हो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है, और ये अकेले जिस नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दीजिए हम कि ये मैं बात कर रही हूँ कि ये यहाँ पर सिर्फ एक चेयर है, अगर सिंध का हक वापस नहीं दिया गया तो जहाँ पर मुकद्दर हल्के बैठे हैं ये अगला एहतजाज वहाँ पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा कर अपने सिंध को आजाद करवा सकती है तो ये मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं कि सब खाने वालों की जमात है, ये पी 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 कमजोर करते हैं इदारों को, मतलब मना रिश्वत दे, मतलब पैसा गिराए उनको कमजोर उनको वो करते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो मेरी अपने मुख्तसर हलकों से मुझे माफ कर दीजिएगा कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेले, हम सब बेटा बच्चे पाकिस्तानी है, पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुई फोर्स है, और यहाँ पर जो लोग आए हैं उसमें कितने शहीदों के बारिश है, यहाँ पर वहां पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें, और इस मुल्क में वो कह रहे हैं कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। वैसे आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं इतने पैसों पे ये करेंगे क्या, ये मैंने खा सकते हैं ना, पहन सकते हैं ना, ओढ़ सकते हैं, इतनी हवस क्यों है? सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, कपा मुझे प्लीज ये पैरों में दफनाई दो, अल्लाह ने मौसा दिखा दी कि की भी लत भरे के हल मिले के बजाय भारत की तरफ इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है, इसको वहीं पर निकलना पड़ो। तो मैं एक वो कह रही ना कि एक किसी को किसी के लिए शेयर मुझे पढ़ना है, अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग ही ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग ही ज्यादा नहीं है, वो फैसला करते हैं कि हम तो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है,
हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक जमात को सिर्फ उनके हवाले नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीएम को या लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें मुस्तरद किया है? वो खुदा का खौफ करें, इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दे। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले में उसकी हद तक धरना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है। जहाँ पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहाँ पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। आप खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो। क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सीटी के पैसे कहाँ गए? सागर के और जीडीसीएल के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो वैसे ही एक ये पूरा सांगर देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हुई हूँ कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब नारा ने दी होती, तो आज पर बाहर लेकर निकल जाती हूँ, कत्ल करने कर देती है। अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम ना होने दे। इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे और हम तो उस जवान उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। किताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो किताब है पीर पगारो, ये किताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना। तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गादी है और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी गर्दन काट दे। आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए।